वेलकम टू चैनल वन अलायंस क्लब ऑफ कोलकाता ईस्ट ऑर्गेनाइज द वॉइस ऑफ अलायंस मेगा सिंगिंग कंपटीशन एंड द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस सिंगिंग कंपटीशन वाज हेल्ड एट साइंस सिटी ऑडिटोरियम ऑन 15th अक्टूबर। दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इवेंट कन्वीनर एलआई राहुल सी, चीफ गेस्ट एलआई विमल कुमार बिरला, स्पेशल इन्वाइट एलआई सतीश लखोटिया एंड एलआई कमल लखोटिया, चीफ कोऑर्डिनेटर एलआई सांता बिरला, एलआई आर के हरलाल का, इवेंट कोऑर्डिनेटर एलआई विक्रम अग्रवाल, मयूर शाह, भारत शाह, आशीष सिंह। द वॉइस ऑफ एलाइन विनर्स आर संकेत मेहता एंड सिमरन कंचनदानी, फर्स्ट रनर अप शिल्पा जैन, सेकेंड रनर अप भारत शाह। Now let's see the whole program from our channel and don't forget to subscribe channel 1 Digital Media. तो इस कार्यक्रम की सफलता देखकर हमने निश्चय किया है अगले वर्ष हम सीजन 2 भी करेंगे और आगे भी इसे जारी रखेंगे। मैं सभी जजों का, म्यूजिशियन व सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे थे उनका आभार प्रकट करता हूं और उन्हें हार्दिक धन्यवाद। Ah, thank you.
देखा है जादू क्या ऐसा है, रातों से जलेगा रातों पे जलेगा रातों पे जलेगा क्या है फायदा। आज के जला उसमें कितना है तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। फर्स्ट मेन एनी केसेस फ्रॉम द हाउस मेन सिंगर फर्स्ट कुछ भी नाम आपको जिसका गाना पसंद आया हो मेहता जी का और कोई नाम एनीवन गेसेस आई विल रिक्वेस्ट देव सर He is a music director and he has worked with Ms. Pritam sir in composing the music.
So we have a Jeff with us today, and he's going to announce the first male singer, Sanket Mehta. Congratulations, Sanket Mehta. Hare Ma. Any guesses? And the first female is, as according to judges, total is Simran Khanchandani. Join your hands, ladies and gentlemen. Simran ji ko nivedan karunga ki wo stage pe aaye. So in fact, of all the contestants, her mark is the highest. तालियां सब लोग बजाइए प्लीज. थैंक यू सो मच. Time for their effort and for their support. Sir, sir, आ गया जी. बहुत खुशी की बात है कि अलायंस क्लब ईस्ट द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है, और इसमें हमारे बहुत सारे जो नए गायक भी हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बहुत अच्छा मौका है जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए. अमन लखोटिया, इंटरनेशनल पास प्रेसिडेंट हूँ. आज मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अलाय बी के बिरला जी का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम आज स्पॉन्सर्ड किया है, और आज के चीफ गेस्ट भी वही है. हमारा मकसद है कि जिनके अंदर छिपी हुई संगीत की कला है उनको अवसर प्रदान करें, उनको प्लेटफॉर्म दें, ताकि उनकी वो सोई हुई इच्छा और सोया हुआ, आप समझिए कि कला बाहर विकसित हो सके. थैंक यू. थैंक यू. क्योंकि यह हमारा पहला प्रयास है और हमको बहुत सफलता मिली, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसी से तो नए कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा. और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं और अच्छा गा रहे हैं, और वो आज परफॉर्म भी करेंगे. और ये हम ऐसा प्रोग्राम में इच्छा है कि बराबर ऐसा प्रोग्राम करते हैं. आपका नाम? विमल कुमार. मैं तो यही कहूँगी कि अलायंस ईस्ट नहीं है, अलायंस डिस्ट्रिक्ट पूरा सब साथ में है, तो हम सब साथ में हैं. हम अलायंस नहीं डिस्ट्रिक्ट को ही ऊपर लेके जाएंगे और आसमान के ऊंचाई तक जरूर पहुंचाएंगे. हम सांसद बिरला, मैं अलायंस कोलकाता ईस्ट की प्रेसिडेंट हूँ. क्या कहना चाहेंगे आज के इस शुभ कार्यक्रम को लेकर? मैं बहुत थैंकफुल हूँ बी के बिरला जी का, जो इस टाइप के बड़े प्रोग्राम को स्पॉन्सर किए हैं. और ये ना लाइक नया ट्रेंड सेट करेगा अलायंस कप के लिए, कि इस टाइप के टैलेंट कॉन्टेस्ट हमेशा है ना लाइक कंटिन्यू हों. थैंक यू. नाम सुशील अग्रवाल, इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट. हमारे कलकत्ता ईस्ट ने जो ये प्रोग्राम किया है, नई नई जो हम लोगों के गायक हैं वो सामने आएंगे. हमारी इस फैमिली की, एलायंस फैमिली की भी गायक काफ़ी लोग जो अच्छे गायक हैं हमारे सामने आएंगे, लोगों के सामने आएंगे. और हमारे ये कार्यक्रम जो आज शुरू किया है कलकत्ता ईस्ट ने एलायंस डिस्ट्रिक्ट 101 के बैनर पर, तो ये काम चलता रहेगा और हम लोग इंटरनेशनल लेवल में भी इस काम को करने की कोशिश करेंगे. मैं विक्रम अग्रवाल. मैं मयूर शाह. मैं अलायंस क्लब ऑफ रॉयल्स का फाउंडर एंड मेंटर. और हम अलायंस क्लब ऑफ मालीगंज के इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट. अलायंस क्लब ऑफ ईस्ट कोलकाता ने जो ये प्रोग्राम किया है वॉइस ऑफ अलायंस, ये एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम है जो अलायंस क्लब का ब्रांड बिल्डिंग के लिए एक नया स्टेपिंग स्टोन साबित होगा. और हम लोग हमेशा ही उम्मीद करेंगे अलायंस क्लब, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत अग्रेसिव है, जो हमेशा गरीबों की नीडी पीपल की मदद करता है, उसने कितना बेहतरीन फेलोशिप का प्रोग्राम किया है वॉइस ऑफ अलायंस. हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रोग्राम को हर साल किया जाए,
और इसी के संग में इस प्रोग्राम के भव्य और सक्सेसफुल होने की सबको शुभकामनाएं देते हुए सबकी शुभकामनाएं चाहता हूं। और मयूर भाई, थैंक यू। विक्रम जी ने सारा बात बताई दिया है। ऑल आई हैव टू से इज़ इज मोर टू कम। हर साल आप वॉइस ऑफ अलायंस का प्रोग्राम एक नए रूप में देखेंगे और अलायंस ग्रुप इज वन ऑफ द ग्रुप विच इज डेडिकेटेड टू गिविंग सोशल सर्विस। दैट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव और वो हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। वॉइस ऑफ अलायंस का जो ब्रेन चाइल्ड हूँ मैं ही हूँ, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। पहली बार अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल में ये हो रहा है और आज भी लोगों भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और मैं बहुत आभारी हूँ मिस्टर बीके बिरला जी का, जिन्होंने इस सब का पूरा फाइनेंस एंड स्पॉन्सर किए हैं और ये प्रोग्राम आज हो रहा है। राहुल जी, इवेंट कॉन्वेनर, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? मोर देन 90 पीपल पार्टिसिपेट किया था। आज 27 का फिनाले है, 27% का फिनाले है।